हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो दीपिका का जो है व्लॉग आया है, अच्छा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, इंतहा से ज़्यादा बोरिंग है। मतलब अभी जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो उसके कुछ आई थिंक 5 लाख व्यूज़ हुए हैं, कुछ 13-14 घंटे हुए थे व्लॉग को और उसके कुछ जो है वो 5 लाख व्यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो ये व्लॉग जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो तब इतने व्यूज़ थे। अभी मुझे अंदाज़ा नहीं होगा जब मैं ये वीडियो लाइव करूँगी तब कितने होंगे, बट लेकिन इस टाइम पर इतने व्यूज़ थे। वरना मैक्सिमम जो है ये लोग 10-12 घंटे में जो है 8-9 लाख जो है ले लेते हैं व्यूज़, ठीक है मैक्सिमम। अच्छा, कल किसी ने मुझसे पूछा था, वही टॉम पाकिस्तानी ने पूछा था कि कितने व्यूज़ इनको कितने पैसे मिलते होंगे। देखो यार, मेरा पॉडकास्ट चैनल है, ठीक है, पॉडकास्ट चैनल में ये होता है कि आपकी वीडियोज़ तकरीबन 20-25 मिनट की होती है। यूजुअली मुझे 1500, आप समझ लो कि 1500 तक इनको जो है वो $1 मिलता होगा 1500 व्यूज़ पर। उस हिसाब से आप लगा लो अंदाज़ा, यानी मेरे अभी जो है वो 2 लाख जो है वो यूज़ हैं, तो मेरे जो रेवेन्यू है वो 186 चल रहा है, ठीक है 186 रेवेन्यू चल रहा है मेरा, ओके। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लो इनका पर व्लॉग जो है 1 मिलियन पे टच करता ही करता है, तो ये कितना मंथली डेली कमा लेते होंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लाई करके बता दूंगी। तो ये आंसर था। अच्छा जी, तो ये वीडियो जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि भाई ये जो व्लॉगर्स हैं, यहाँ पर सिर्फ दीपिका की बात नहीं होगी, मैं हर उस व्लॉगर को बात करूँगी, हर उस व्लॉगर की बात करूँगी जो ये फेक चीज़ें जो हैं प्रोमोट करते हैं बगैर किसी जांच पड़ताल के, सिर्फ चंद अपने पैसों के लिए, अपनी जो है उसके लिए ये जो है कुछ भी जो है वो प्रोमोट कर देते हैं, कुछ भी निकाल देते हैं। इनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, कुछ भी निकाल कर जो है ये लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं। रही बात स्किन तक, ठीक है आप स्किन की प्रोडक्ट बेच रहे हो, चलो कहीं ना कहीं स्किन रिकवर हो सकती है। हम बोलते हैं चलो स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा, क्योंकि हर किसी की स्किन सेंसिटिव नहीं होती, इसलिए इतने ज़्यादा जो है इश्यूज स्किन पे नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी स्किन भी बहुत सेंसिटिव पार्ट इसलिए है, मैं बता दूं, फेस की स्किन, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे केमिकल्स लगाने स्किन पे भी शुरू करते हो तो इवन आप स्किन के कैंसर के भी जो है वो बीमारी में जा सकते हो, ये हद तक भी जा सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर वक्त एग्जांपल्स ही दूंगी, बहुत से केसेस नेट पर सर्च करो आपको मिल जाएंगे बगैर किसी, यानी ये जो क्रीम्स वगैरह ये जो ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं जिसके अंदर हाईली प्रोडक्ट जो है केमिकल्स होते हैं, ये सबको जब आप रेगुलरली फेस पे लगाओ आप इवन स्किन के कैंसर तक में मुबतला हो सकते हो, या ये सच है। ठीक है, तो ये आप जाके देख सकते हो। अब ये तो है इनटेक करने का सीन, ठीक है, ये लोग जो प्रोमोट कर रहे हैं प्रोटीन शेक और ये शेक वो शेक, ठीक है, वेट लॉस शेक, वेट लॉस के नाम पर जो ये पक्कियाँ, और सॉरी वो वेट लॉस के नाम पर कुछ स्लिमिंग ड्रिप्स और स्लिमिंग जो है वो ये टैबलेट्स और पता नहीं क्या कुछ जो है ये लोग प्रमोट करते हैं बगैर किसी, आप कह लो इनके पास कोई किस्म की नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इनको आता है एक, आप ये हमारी प्रमोट कर दो, हम आपको इतने पैसे देंगे, जस्ट इतने टाइम का ये वीडियो बनाते हैं और ये वीडियो बना के रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। इनको कोई परवाह नहीं है कि इनकी ऑडियंस अगर इनके बेस पर जाके खरीदती है और अगर इनको साइड इफेक्ट्स बाद में देखने को मिलते हैं तो ये जवाबदेह नहीं होंगे। इवन ये अपनी वीडियोज़ में ये भी नहीं कहते हैं कि आप अपने न्यूट्रिशन या डाइटिशियन से पूछ के लीजिएगा, नहीं, इनको तो ये बेचना है तो ये बोलते हैं जाके तुम परचेज ही करो, तुम खरीदो ही, तुम खरीद के पीना ही शुरू करो ताकि तुम्हें जो है वो वेट लॉस मिले। भाई तुम्हें अगर इतना ही लोगों का है तो अपनी वेट लॉस जर्नी बताओ, ठीक है, जो तुम डाइट कर रही हो तुम वो बताओ, ना कि तुम जो आकर ये अपनी जो है चूरन पक्कियां बेचना शुरू करो। मुझे सीरियसली, अगर आप उस वीडियो के अंदर देखो ना, 2 कट लगे, कट लगाने की जरूरत ही क्या थी, जब आप यूजुअली मिला के पी रही हो तो आपको कट लगाने की जरूरत ही क्या थी, इवन स्पून भी उसके अंदर थी, चलो स्पून निकाल के रखी होती तो मैं बोलती कि चलो यार कट लगाने की नीड थी, कट क्यों लगा बीच में, लगना ही नहीं बनता था यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ग्लास जो है वो चेंज हुए, ये जो सब ना ये बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। अभी रिसेंट भी अरमान मलिक और इन लोगों ने जो है वो बनाई है अपनी कोई टैबलेट्स वगैरह, भाई ये सब अपना चूरन पक्की बेच रहे हैं, आपको फ़ायदा हो ना हो आप नुकसान में जाओ उनको रुपए का फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी प्रोडक्ट बिक रही है, उनकी चीज़ें बिक रही हैं, उनको उस चीज़ से मतलब है, आपकी हेल्थ पर क्या इशू क्रिएट करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बताऊं ये चीज़ें आपको कुछ मंथ में इफेक्ट देती हैं, मैं इस चीज़ को जानती हूँ क्योंकि मैंने ये सब कुछ किया हुआ है, इसीलिए मुझे अंदाज़ा है। जब आपको वेट कम करना होता है ना तो आपको लग रहा होता है यार बस कुछ भी कर लो मुझे जो है वो वेट कम करना है, ठीक है,
मतलब आपके सामने कुछ भी आ जाए, खास करके आप इन्फ्लुएंसर लोगों से इन्फ्लुएंस होके बहुत सारी प्रोडक्ट परचेज करते हो, और मैंने खुद भी की है, ठीक है। इसीलिए मुझे अच्छे से आइडिया है कि इन्फ्लुएंसर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये किस किस्म की आपको जाकर कहाँ टच करती है, ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने रिसेंट जब शुरू किया था ना, तो मैंने जो है एक इन्फ्लुएंसर में स्लिमिंग ड्रॉप्स आते हैं, मैंने उसको जब है मैंने उसको कहते हैं कि मैंने उसको लेकर परचेज किया, और देन मैंने उसके बाद किया, ठीक है। वो जस्ट ड्रॉप्स थे, ठीक है। इतनी स्लिमिंग आपको ड्रिप्स मिल जाएंगी, आपको स्लिमिंग्स जो हैं वो टैबलेट्स मिल जाएंगी, हर चीज़ ये आपको इफेक्ट देती हैं। आपको 2-3 महीने के अंदर आपका वेट आपको कम दिखेगा, लेकिन उसमें जो हेल्थ इश्यूज है ना, आपकी सोच से बढ़कर है। तो बराए मेहरबानी किसी से भी इन्फ्लुएंस ना हो अपनी हेल्थ इश्यूज। और ये जो कैलोरीज वाला जो इसने ड्रामा किया ना ब्रेकफास्ट की, भाई आप ब्रेकफास्ट के अंदर अगर आप डाइटिंग पर हो, तो आप ब्रेकफास्ट के अंदर क्या जिंगर बर्गर लोगे, फ्राइज लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे? जब आप जिंगर बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक की अगर आप मील लेते हो ना, तो ये मील आपकी 800 कैलोरीज की बनती है। उसको कैलोरीज भी नहीं पता, मतलब सीरियसली वो इतनी ज़्यादा कोई डम किस्म की जो है वो डाइटिशियन बनी घूम रही है। नॉर्मली अगर आप यूजुअली आप अगर बिना चीनी की चाय लेती हो जिसके अंदर शुगर कम, शुगर नहीं है, दूध आपका ना होने के बराबर है, दूध आपने लो फैट मिल्क यूज़ किया है, देन आप जो है अपने ब्रेड के अंदर, ओ सॉरी, ब्रेड अगर आप रिमूव करती हो, कार्ब अगर आप रिमूव कर देते हो, देन आप सिर्फ बॉइल्ड एग लेते हो हटा के जो है वो जर्दी वगैरह, ये आपका कितने का नाश्ता बनेगा भाई? 200 मैक्सिमम 250 कैलोरीज का नाश्ता बनेगा, और हेल्दी नाश्ता बनेगा जिसका आपको पता है कि आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। तो आप ये नॉर्मली आप ले लो भाई, ये मैंने एक यूजुअली कैलकुलेट बताया 200-250 मुझे इसका, लेकिन ये इतना ही बनता है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये मील का जो ना अपना बनाया था ना, मैंने पूरा 1200-1300 कैलोरीज का जो ना मुझे पर डे लेनी होती थी, तो ये मैंने पूरा का पूरा बनाया था अपना। तो मुझे इसमें ये नाश्ता मेरा था जिसके अंदर मैं सुबह के टाइम का कार्ब्स जो है वो रिमूव कर देती थी, ठीक है। देन दोपहर में मेरा ये होता था कि मैं फ्रूट का बाउल बनाऊं, या आप सैलेड बनाओ, उसके अंदर सैलेड फ्रूट सब कुछ मिक्स करो, देन उसके बाद आप उसका एक बाउल बनाओ, ठीक है, सही वाला बाउल बनाओ, यानी आपका पेट भर जाए, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं है, डाइटिंग का मतलब लोग समझते हैं भूखा रहना, कि हम जितना भूखा रहेंगे उतना हम जो है वो डाइट जो है अच्छे से फॉलो कर सकेंगे, नहीं ये नहीं होता है। दोपहर में आप ये काम करो। देखो मेरा ये होता था कि मैं 8 घंटे के अंदर ये सारे मील्स जो है वो ले लेती थी, बाकी फिर मैं 16 आवर्स जो है, 16 बचते हैं ना पीछे, थोड़ा सा मैथ्स मेरा ऊपर नीचे हो जाता है, तो 16:8 वाला जो है मैं वो करती थी फास्टिंग, 16:8 सही भाई, मैंने कहा फिर गलत ना हो जाए ना, 16 वाला जो है मैं करती थी कि 16 आवर्स मैं जो इंटीमेटेड फास्टिंग पे जाती थी, देन जो है मैं 8 आवर्स में अपनी ये डाइट जो, ये मेरी जो कैलोरीज होती थी ना, ये टाइम शेड्यूल सब आप पर होता है। ये जो बोलते हैं ना, मैं उन डाइटिशियन को भी जो है वो नहीं सही बोलती हूँ जो बोलते हैं टाइम फॉलो करो, टाइम बहुत मायने रखता है, ये बहुत मायने, भाई मैंने बगैर टाइम फॉलो किए, मैं अपना टाइम बताऊँ, मेरा नाश्ता होता था दोपहर में 3 बजे, सीरियसली मैंने ऐसे अपना वेट कम किया, और मैंने अपना वेट 20 kg कम किया था इसी तरीके से। मैं अब आपको बता देती हूँ, कोई जरूरत नहीं है आपको ये ड्रीमिंग स्लिम, ये स्लिमिंग ट्री और ये सब कुछ पीने की कुछ, हाँ ठीक है। दोपहर में जो है आप ये अपना बाउल ले लो फ्रूट्स का, फ्रूट्स में ये कोशिश करो कि मैंगो और बनाना इसका थोड़ा सा इंटेक कम रखो, आप पीच ले लो, एक एक हर फ्रूट ले लो जो आपको, मैंगो ले लो, आप खा सकते हो, मैंगो भी मैंने खाया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी भाई, मैंने सब कुछ खाया है। डाइटिंग मतलब कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया है मैंने, मैंने प्रॉपर ये जो ना इतनी भयंकर किस्म की डाइटिंग है नहीं की, क्योंकि मैं इतनी भयंकर किस्म की डाइट कर ही नहीं सकती, ठीक है। देन जो है आप उसमें अपना एक एक फ्रूट ले लो जो आपको पसंद हो, वो आप लो, एक बाउल बनाओ, कभी सलाद का बना लो, कभी किसका बना लो, मैंने ज्यादातर फ्रूट चाट ही खाई है, क्योंकि मैं सैलेड लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपन खीरे के अलावा कोई सैलेड खाती ही नहीं हूँ दूसरी, तो मतलब कि वो मैंने खीरा रखा हुआ था अपने साइड के लिए, तो ये ले लो, ठीक है। देन शाम के टाइम पर फिर आप कोशिश करो कि मैंने 3 बजे अपना नाश्ता किया, देन मैं 5 बजे अपना ये ले लेती थी, ठीक है। फिर 6 बजे मेरा ये होता था कि हम 6 बजे चले आते थे वॉक पे, ताकि हमारा खाना 1-1.5 घंटा हो गया, तकरीबन 1-1.5 घंटे में हमने ये 1-1.5 घंटा हमने कर लिया, 6-6:30 बजे तक हम वॉक पर चले जाए, आधा घंटा 40 मिनट्स हमने वॉक की थी, ठीक है। 40 मिनट्स के वॉक के बाद हम जो है वो आते थे, देन हमने ग्रीन टी, मैं आते थे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने अपनी जेठानी के साथ किया था, तो इसलिए वो थोड़ा सा मेरा हो गया, देन हम उसके साथ ग्रीन टी और अगर हमें नट्स वगैरह मिल जाए, वरना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देन मैंने ग्रीन टी ली, ग्रीन टी मैंने जो है इनटेक की, ग्रीन टी मैंने पी ली, उसके बाद तकरीबन आधा घंटा 8 बजे तक जो है, 8-8:30 बजे तक खाना वाना बन गया, सारी चीज़ें हो गई, देन 9 बजे जो है मैं अपना जो है डिनर कर लेती थी, डिनर मेरा डन हो गया, ठीक है। अब डिनर में मेरी अपनी पर्सनल चॉइस होती थी, मैं चाहूँ तो रोटी खाऊं, मैं चाहूँ तो चावल खाऊं, लेकिन मैं अपना कार्ब्स के साथ का डिनर लेती थी,
ये मेरा डन था, क्योंकि हम लोग रात को लेट नाइट सोते हैं, तकरीबन 1-1.5 बजता है सोते सोते, कभी कभी तो 2 भी बजते। लेट नाइट रूटीन है मेरी, तो इसीलिए जो है हम लोग 9 बजे तक अपना डिनर जो है वो कर लेते थे कि यार 9 बजे तक डिनर हो गया, ठीक है। देन 9 बजे के बाद जो है डिनर कर लिया। डिनर इतना करती थी यार, देखो पेट भर के तो आप नहीं खा सकते ना एज यूजल, जब आप चावल और रोटी और ये खा रहे हो, तो मैं उस टाइम पे खीरा का पोर्शन ज्यादा रख लेती। आप जो भी सैलड खाते हो उसका पोर्शन थोड़ा ज्यादा रखो, देन जो है आप अपना नॉर्मल रूटीन का जो है, अगर तेल वाले सालन भी बनते हैं ना, देखो ज्वाइंट फैमिली के अंदर आप ही भुने चुने खाने नहीं खा सकते, मैंने ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए, तो अपने अगर तेल वाला सालन भी, तो मैं उसको तेल को हटाकर देन अपना सालन की जो शोरबा चिकन लेती थी। मैंने आलू उस टाइम पर अवॉइड कर दिए थे, क्योंकि मैंने आलू बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट जो है कार्ब्स में इंक्लूड होता है आलू आपका, तो वो मैंने बिल्कुल बिल्कुल साइड कर दिए थे। मैं बिल्कुल भी आलू ना शोर सालन में खाती थी, ना बिरयानी में, किसी भी चीज में मैंने आलू नहीं खाया। मैंने बिरयानियां भी खाई है, मैंने सालन चावल भी खाया, मैंने रोटी भी खाई, मैंने ग्रेवी, मैंने हर चीज खाई अपनी डाइट में, लेकिन इसी तरीके से, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने सुबह के कार्ब्स बिल्कुल माइनस कर दिए, मेरे दिन में पूरे डे में कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं है। उस दरमियान पानी का इंटेक बहुत ज्यादा था, 3 कप जो है ग्रीन टी होती थी मेरी, 3 कप यानी मैं नाश्ते के बाद भी ले ही लेती थी अक्सर, कभी कभार ना लूँ तो वो अलग बात है, लेकिन नाश्ते के बाद ले लेती थी ग्रीन टी, देन शाम के बाद, उसके बाद डिनर हो गया, ठीक है। डिनर के बाद मैंने 1-1.5 घंटे बाद मैंने ग्रीन टी, अव्वल तो मैं ग्रीन टी इस टाइम पे बहुत कम ली है, क्योंकि मैं नहीं लेती थी, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती थी, क्योंकि गर्मियां बहुत ज्यादा आपको पता चलती है। देन उसके बाद अगर भूख लग रही हो 10-11:30 बजे तक, क्योंकि रात बहुत लंबी होती है, तो भाई अगर 10-10:30 बजे तक भूख लग रही है, तो मैं इतना रखा था कि स्किम मिल्क जो होते हैं ना, जो गर्म वो होते हैं लो फैट वाले मिल्क होते हैं, वो रखती थी मैं, उसको मैं थोड़ा सा गुनगुना करके और मैं पी लेती थी अगर भूख लगी हो। वरना आप अगर चाहो तो, देखो ये भूख के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो मिल्क वाला पोर्शन है ये भूख के ऊपर डिपेंड करता है, वरना फिर आप अपने फास्टिंग पर चले जाते हो, जो भी होता है। देन उसके बाद बिल्कुल सोने के टाइम पर, जब मैं सोने के टाइम यानी 11:30-12 बजे था ना, देन मैं अपना कप बनाती थी ग्रीन टी का, वो मैं पीती थी, कहवा टाइप बनाती थी, ग्रीन टी मिक्स कहवा वो बनाती थी, वो बनाकर जो है मैं रखती थी। देन एक फक्की थी जिसको मैं खाती थी, देसी पकी थी, इसीलिए मुझे कोई चीज का इफेक्ट साइड इफेक्ट कभी भी नहीं हुआ उस चीज का, और जो है मैंने उस तरीके से फॉलो किया। देखो टाइम जरूर लगा, 6 मंथ लगे थे मुझे इस वेट लॉस को जर्नी में, लेकिन बहुत जबरदस्त हुआ। इवन मेरी प्रेगनेंसी भी में मेरा वेट वो वापसी रिटर्न नहीं आया था, पता है, इस किस्म का वो वेट लॉस था, क्योंकि मैंने लाइफ स्टाइल चेंज किया था, मैंने भयंकर किस्म की डाइट नहीं की थी, मैं किसी के कहने पर नहीं गई थी कि ये पी लो वो पी लो। इसीलिए भाई जब भी आप डाइट पे जाओ ना, सबसे पहले अपनी बॉडी को समझो भाई। देखो आई नो कि जो एक्टर्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ें होती हैं बोल रही हूँ, जो एक्टर्स होती हैं, जो मॉडल्स होती हैं, जिनको काम करना है, जो भी है, उनको बहुत जल्दी वेट लॉस करना होता है, बहुत बॉडी को बिल्कुल जो है बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम करना होता है, देखो वो भयंकर किस्म की डाइट पर जाती है। लेकिन जो हम हाउस वाइफ्स होती हैं, जो हम बच्चों को संभाल रहे होते हैं, भाई हमें पूरी की पूरी जो है वो हेल्थ की जरूरत होती है। ये डाइट मैं हाउस वाइफ के लिए कह रही हूँ, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हो कुछ भी हो, तो आपको ऑब्वियसली एक बहुत ही भयंकर किस्म की डाइट करनी फॉलो करनी पड़ती है, तो वो आपकी अपनी मजबूरी है, आपके काम को जो है ऑब्वियसली आपके काम की एक जरूरत है, तो जो आपको पूरा करना है। लेकिन जो हाउस वाइफ्स होती हैं भाई, उनको हर चीज़ की जरूरत होती है, ठीक है ना। हम रोटी चावल के बगैर नहीं जिंदा रह सकते, क्योंकि हमें जो है अपने ऐसे बच्चे संभालने होते हैं, संभालना होता है, तो हमारे लिए रोटी चावल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी भूख भी नहीं मिट रही होती। सीरियसली जब मैंने डाइट फॉलो की थी ना, मैं उस डाइट को यानी डाइट जो हम कहते हैं ना कीटो डाइट, वीटो डाइट, ये मैंने जब फॉलो की थी ना, सीरियसली मैं कभी भी प्रॉपर नहीं लेके चल सकी थी, क्योंकि मुझे भूख ही इतनी लगती थी। अब भूख लगे तो मैं क्या करूं, मैं मेरा तो जब तक चावल ना पेट बजाए तो मर जो, तो भूख मेरी मिटे ना, मसले सारे मेरी जिंदगी के अंदर ये, तो भाई मैं कभी भी फॉलो नहीं कर पाई। मैंने कुछ जो है वो रुपए का भी जो है वो वेट कम नहीं किया, लेकिन जब मैंने इस लाइफ स्टाइल को, देखो सबकी बॉडी अलग होती है, आपकी बॉडी पे जल्दी इफेक्ट करेगा और किसी की बॉडी पे लो लेट इफेक्ट करेगा, लेकिन देखो भाई उसके साथ आपको एक्सरसाइज या वॉक लाजमी है, क्योंकि जब तक आप कैलोरीज को अपनी कम करके उस कैलोरीज को दूसरी कैलोरीज को बर्न नहीं करोगे, तो आपको ऑब्वियसली जो है उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, ठीक है ना। आपने नॉर्मल आपका वेट उतना ही स्टक कर जाएगा, 1-1.5 केजी कम हुआ तो कम हुआ, लेकिन आपका वेट रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं लेकिन कम नहीं होगा, क्योंकि आप उस जो अंदर जो कैलोरीज आप ऑलरेडी ले चुके हो उसको भी तो कम करना है ना, उसको कम के लिए आपको वेट कम करना है, ये सारी चीजें होती है भाई। फास्टिंग जो है वो बेस्ट जरिया मुझे लगता है हमेशा से वेट कम करने का, बहुत बेस्ट जरिया है, और ये आप इजीली ये लाइफ स्टाइल को लेके चल सकते हो, ये सबसे बड़ा जो है होता है भाई। अब ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, देखो कि आप अपनी डाइट को किस हिसाब से मैनेज करते हो, आप अपने 8 घंटे कैसे रखते हो, कभी 8 घंटे कभी 6 घंटे, क्योंकि ऊपर नीचे लंच ब्रेक हो जाता था इसीलिए 8 घंटे मैक्सिमम होता है। अगर 6 घंटे में भी अगर आपका ये पूरा पूरा डिनर हो गया तो कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, मैं बड़े इजीली लेके चल सकती थी। अगर कभी कभी मुझे ऐसा होना कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही हो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जैसे मैंने अपना नहीं पिया, तो मैं कोई भी एक फ्रूट जैसे एप्पल हो गया, पीच हो गया, मैं खा लेती थी इस दरमियान। लेकिन मेरा वेट बहुत गया है, 18-20 केजी मेरा वेट लास्ट किया था, जो कि मैंने
6 मंथ के अंदर कम हुआ था, मेरी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, बॉडी में से मेरे जो है वो इंचेस भी गए थे, इंचेस मेरे बहुत ज्यादा गए थे, वेट मेरा 20 था बट इंचेस मेरे बहुत ही जबरदस्त गए थे, मतलब सीरियसली। और उसके बाद वो इंचेस मेरी प्रेगनेंसी में भी रिटर्न इतने नहीं आए थे, ये तो फिर प्रेगनेंसी के बाद अभी मैंने बहुत ज्यादा जो है वो जंक पे चली गई थी, देन मैं बिल्कुल भी डाइट नहीं कर पा रही थी, कोई किस्म की जो है मैं कार्ब्स कुछ भी नहीं मिटा पा रही थी। तो ये मैंने इसीलिए आज ये टॉपिक छोड़ा, तो मैंने कहा भाई लोगों को बताओ कि ऐसे भी डाइट फॉलो करके आप जो है वो अपना वेट कम कर सकते हो, जरूरी नहीं हो इतनी भयंकर किस्म की डाइट पर जाओ, और इस किस्म की भाई नहीं करो, बहुत गंदे साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैंने रिसेंट भी अपना जो है वो शेयर किया था कि मैंने अभी रिसेंट गोलियों पे गई थी मैं, कि मेरा वेट बेइंतहा हो गया था। और जब आप एक नए नए उस पर जाते हो ना, तो आपको होता है कि यार, हालांकि मैंने इसी तरीके से वेट कम किया, लेकिन मुझे लगता है यार बस अब जल्दी जल्दी शुरू हो जाए ना, वो एक आपके नशा मिला हुआ है ना वेट कम करने का। मैंने कहा यार चलो टैबलेट्स पीते हैं, टैबलेट्स डॉक्टर से लिखवाई की, वो किडनी पर असर कर गई। तो ये देख लो, एक टैबलेट जो डॉक्टर ने ही मुझे लिख के दिए वो भी मुझे इफेक्ट कर गई किडनी पे। सेकंड डॉक्टर को जब मैंने दिखाया तो कहा बहन आपकी किडनी जो है वो बहुत बचते बचते बची है, तो ऐसी चीजें ना करो। देखो जब एक डॉक्टर के लिखी हुई टैबलेट आपको इफेक्ट कर सकती है, तो ये तो इन्फ्लुएंसर है जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जिसने कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं पढ़ा है, उसको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिली है, उसने आके जो है वो आकर आपको बता दिया, बस अब आप जानो आपका काम जाने, अब आपको उससे जितनी भी बीमारियां हो जो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ ये एक इन्फ्लुएंसर नहीं, मैं हर उस इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट हूँ। अभी रिसेंट जो है रुबीना ने भी कोई किसी किस्म का जो है वो प्रोमोट की थी, भाई मैं उस सब चीजों के जो है अगेंस्ट हूँ। तो मेरी हाथ जोड़कर भी आप जिस भी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हो, जिसको भी आप पसंद करते हो, किसी के भी कहने पर अपनी हेल्थ के साथ ना खेलना, किसी के भी कहने पर कुछ भी खा पी नहीं लेना, भाई अपने आप को बॉडी को देखो, तो ये सब बहुत ज्यादा डेंजर होता है। अच्छा जी, तो कोई मुझे कह रहा था मैं आपकी हाइपोक्रेसी जो है, मैं पता नहीं क्या जो सब ये जो उन सब हाइपोक्रेट एक ऐसा वर्ड है जो मुझे आज तक बोलने को नहीं आया, मैं बहुत मिस्टेक्स कर जाती हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप ड्रामा करती हो, भाई ड्रामा करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जो है वो बहुत बड़े ड्रामेबाज हूँ। तो अच्छा जी, मुझे कमेंट्स आए हुए थे कि आप जो है वो दूसरों की वीडियोस कॉपी करती हो, पहले सबका कंटेंट देखती हो उसके बाद बनाती हो। ये वीडियोस पिछले 4 दिन से रिकॉर्डेड बनी हुई है, मतलब इसका जो ये आधा पार्ट था ना, जहाँ तक आपने सुना ना कि किसी के भी खाने पीने पे जो है वो आप किसी के भी कहने पे कुछ ना खाओ पियो, ये रिकॉर्डेड मेरी वीडियो 4 दिन पुरानी है। लेकिन मुझे इस वीडियो को एंड लेने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं बिजी चल रही थी 2 दिन 3 दिन। जब आपको पता है कि एक शादीशुदा बेटी जब माँ के घर जाती है 3 4 दिन, तो वो बड़े मस्त जो है वो कौन सा जोन होता है, कह लो आराम वाला जोन होता है ना, उस जोन में मैं चल रही थी। एक वीडियो मेरे पास अरमान मलिक की रिकॉर्डेड थी, जो मैंने कही थी कि मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी है, वो मैंने जो है वो लाइव कर दी थी सैटरडे। देन फ्राइडे और संडे मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, मैंने मस्त चिल वाला माहौल, मैंने अपनी ज़िंदगी जी पाई, मैंने कहा चलो साइड में डालो सब यूट्यूब को सब कुछ को, और फिलहाल हम 2 दिन जो है वो इंजॉय मारते, 2 दिन नहीं 3 दिन पूरा का पूरा इंजॉय मारा है मैंने, क्योंकि मैंने कहा यार बस अभी बहुत हो गया। एक इंसान टोटली मैं जो है मंथ से जो है बिल्कुल अपने काम पे जो ना वो समझ लो, सिर्फ एक ये काम नहीं कर रही, मैं बहुत सारे काम कर रही होती हूँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी, माइनिंग भी, बहुत कुछ कर रही होती हूँ। तो इसी वजह से जो है वो मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो एक्सोस्ट हो गए हैं, तो अब हमें चाहिए रेस्ट, तो मैं रोज रेस्ट पीरियड पे थी। अच्छा अब ये वीडियो मेरी जा रही है 4 दिन पुराने व्लॉग की, जिस पे लोग कहेंगे आपने सबके व्लॉग्स, ओ भाई मेरे पास जब मेरे पास देखने का टाइम होता है मैं देखती हूँ, मैं अगर कुछ पॉइंट्स लेती हूँ तो मैं डंके की चोट पर बोलती हूँ कि भाई मैंने कॉफी बी की वीडियो देखी है, मैंने आज की चाय की वीडियो देखी है, मैंने सिसलिंग टी की वीडियो देखी है, मैंने जिसकी भी वीडियो देखी, नेहा फैजी की वीडियो देखी है, मैं कहती हूँ मुझे पॉइंट्स इनके अच्छे लगे हैं और ये पॉइंट्स का डिस्कशन बनता है। तो मुझे इस चीज़ को बोलने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है यार, हाँ पॉइंट्स मैच होंगे, ये चीज हमने 1000 बार हर पॉडकास्टर ने कही है, जो भी पॉडकास्ट बना रहे हैं, कि हमारा टॉपिक एक है, तो ऑब्वियसली जो चीज वो देख रहे हैं वो चीज हम भी देख रहे हैं। अब हमारे टॉपिक हमारा जो है रिव्यूज का काम है, तो एज यूजुअल जो रिव्यूज हम देख रहे हैं, जो रिव्यूज हमें लग रहा है, वो पॉइंट्स हमारे मिक्स मैच हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो मेरी कॉपी कर रहे हैं, मैं उसकी कॉपी कर रही हूँ, मैं उनकी वीडियोज आने का वेट करती हूँ, फिर मैं उनकी वीडियोज देखती हूँ, फिर मैं, आपको पता होना चाहिए कभी ऐसा होता है कि अक्सर मेरी वीडियोज आधे घंटे पर होती है, यानी कॉफी की वीडियो जो है मैंने बहुत बार नोटिस किया, कॉफी की वीडियो आधे घंटे पहले होती है, मेरी वीडियो आधे घंटे बाद अपलोड, तो क्या आधे घंटे में 25 मिनट की वीडियो बन भी गई, अपलोड भी हो गई और मैंने लाइव भी कर दी। आपको भी अच्छे से पता है कि यूट्यूब की वीडियो बनना, उसके बाद वीडियो अपलोड होना काफी टाइम लगता है, अक्सर यूट्यूब जो है आपकी कभी कभी वीडियोज तो 2 2 4 4 घंटे अपलोडिंग पे लगा देता है, क्योंकि उसको जैसा उसका नेट मिलता है, जैसा माशाल्लाह हमारा बहुत सुंदर नेट चलता है, हसीन तरीन नेट चलता है, तो ये सब चीजें हैं यार। तो ये देखो ये कमेंट्स जो हैं वो 2 दिन
मतलब ये जो रिसेंट चल रहा है ना, ये उसी के कमेंट से, और ये वीडियो 4 दिन पुरानी रिकॉर्ड है। तो ये पॉइंट है कि भाई मैं अगर किसी दिन किसी का पॉइंट लेती हूँ तो मुझे बोलने में कभी कोई शर्म नहीं आएगी और ना मुझे आएगी। भाई ठीक है, देखा है तो देखा, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है भाई, यूट्यूब पर अपलोड है तो मैं देख रही हूँ तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर मैं उसको कॉपी मार रही हूँ, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट, पूरी स्क्रिप्ट मैंने उसकी कॉपी पेस्ट मार दी बिना किसी जो है उसको क्रेडिट दिए, तो ऑब्वियसली वो मेरा गलत है कि मैंने क्यों जो है वो कॉपी पेस्ट किया और उसकी मेहनत को मैंने अपनी मेहनत बताया। नहीं, मैंने अपना दूसरा चैनल स्टार्ट किया तो मैंने साफ कहा था कि यहाँ पर स्पिल भी की, बहुत सारी वीडियोज़ आपको कॉपी मिलेंगी क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। तो इट्स ओके, मैं तो भाई बहुत कॉपी कैट को जो ना मैं बर्फ़करी अंदाज में कह रही होती, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं वो बहुत जलील हो भाई, तुम तो अपना कॉपी करने वाले कंटेंट को तुम जो है वो बड़े फ़खर से बताती हो। भाई जो चीज़ कॉपी करूँगी वो बताऊँगी, बाकी बाकी नहीं बताती मैं। ठीक है, ओके जी, हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी भाई, मेरा मेन मकसद इस वीडियो का एक ही है कि किसी के भी कहने पर, किसी के भी कहने पर, सिर्फ दीपिका और शुएब या सबा का कहना नहीं है, कोई भी इन्फ्लुएंस जिसको आप फॉलो कर रहे हो, किसी के भी कहने पर कुछ भी ना खा पी लो, बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक हो सकते हैं। इनको अपना पैसा मिल रहा है, आप इनके कोर्ट से चीज़ें लोगे, उनको पैसा मिलेगा, उनका कुछ नहीं जाएगा, आप बीमार होगे, उनको रत्ती बराबर का फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन आपकी ज़ात पर फ़र्क पड़ना है उन चीज़ों को लेकर। तो प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड कीजिए, अपने डॉक्टर से पूछिए, अपने सेहत को देखिए, अपनी चीजों को देखें, उसके बाद जो है वो आप कोई भी किस्म का फैसला करें। अव्वल तो मेरा मानना यह है कि आप जितना हो नेचुरली जो है अपने वेट लॉस और ये सब, मेन एक वेट लॉस का होता है, देन दूसरा जो है एक वाइटनिंग, इसने वाइटिंग वाइट स्किन का जो है एक बहुत क्रेज है, बाकी जो इतना ज्यादा क्रेज नहीं पाया जाता है इन दोनों चीज़ों का। तो मे भी मेरा यही ख्याल है कि आप नेचुरल चीज़ों से वेट कम करो, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अपने आप को यूं ट्रांसफॉर्म करो। अगर आप एक नॉर्मल हाउस वाइफ हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन 2 महीने के अंदर ही चाहिए, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन 6-8 महीने में मिल रही है तो इट्स ओके। अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल पर जाते हो, और मुझे लगता है अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद भी आप थोड़े चबी चबी टाइप हो तो इट्स ओके, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको वो बीमारी नहीं कर रहा, अगर वो आपको बीमार नहीं दे रहा, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, चीज़ें नहीं है आपको, तो इट्स ओके। मतलब चबी इन द सेंस कि आप 150 kg पे चबी ना बोलो अपने आप को, लेकिन अगर आप ठीक है चबी चबी हो, जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो स्लिम ट्रिम ही होता है। भाई बहुत सारी लड़कियां अपने आप को चबी टबी, मुझे यानी अपने आप को बिल्कुल ज्यादा कुछ स्लिम एंड स्मार्ट जीरो फिगर वाला नहीं पसंद, मतलब मुझे अपना आप ही नहीं पसंद, दूसरे क्या मुझे पसंद करें ना पसंद करें, मुझे अपना आप ही जीरो फिगर वाला नहीं पसंद। तो मुझे लगता है यार थोड़ा चबी टबी होना चाहिए, तो मैं अपने आप को वैसे ही रखती हूँ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बुरे दिखो, भाई आपको अपने आप को देखना है, अपने आप को जज करना है, अपनी बीमारियों को देखना है, अपने हेल्थ इशूज को देखना है, बस किसी और के कहने या किसी और के चलने पे आपको नहीं चलना होता, अपने आप को देखना होता है। अगर हम उनको अगर हम उनको रिव्यू कर रहे हैं, अगर हम सभा को बोल रहे होते हैं वेट लॉस करने का, तो उसको देखो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। दीपिका को कभी भी नहीं कहा, क्योंकि दीपिका का इतना हेल्थ इशूज सामने नहीं आया, सभा के हेल्थ इशूज बहुत सामने आए। सबसे बड़ा हेल्थ इशू तो उसका उसका अपना बेबी है, जिसके लिए वो इतना तड़पती नजर आती है हमको। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है लाजमी। और भाई बहुत सारे, अच्छा एक और कमेंट था कि मुझे 100% 10% श्योर है कि आप नेहा फैजी हो। नहीं हूँ मैं नेहा फैजी यार, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, नेहा फैजी कतर में रहती है, तो मैं नेहा फैजी नहीं हूँ, नेहा फैजी नहीं हूँ मैं, नेहा फैजी से हालांकि मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं मिलती, उसकी आवाज़ कहाँ, उस मेरी आवाज़ कहाँ। तो भाई वो तो बहुत आला किस्म की करेक्टर वाली, भाई आला किस्म की जो है ना वो क्या बोलते हैं ड्रामेबाज है, एक्टर है सॉरी, भाई उसकी जो एक्टिंग है ना वो तो कमाल की, निमिक्री जो उसका स्टाइल है ना तो वो बड़ा कमाल का है। मैं मसूम सी बंदी, मुझसे निमिक्रिया नहीं होती, मैंने बहुत बार ट्राई भी किया बट मुझसे नहीं होती। मैंने बोला था ना बस मुझे ये की बैठ आता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। एंड भाई सबसे पहले आप सबको जो इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, भाई आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। देखो ये वर्ल्ड कप भी पूरा हो गया, मैं अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसका ये आखिरी का पार्ट, वर्ल्ड कप जो है वो आपकी कंट्री जीत गई है, तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको, वेल डिजर्व था। एंड का जो मैच था वो वेल डिजर्व था, शुरू में बहुत ज़्यादा मैच फंस गया था, बीच में तो यही लग रहा था कि भाई साउथ अफ्रीका विनिंग है, लेकिन आपको पता है क्रिकेट मैच का अलग ही होता है, साउथ अफ्रीका जोक कर गई, और जो लास्ट वाला जो कैच था जो आई थिंक स्काई ने पकड़ा था, वो सूर्य कुमार यादव ने, भाई वो बहुत उधम कैच था, बहुत ज़्यादा जो बाउंड्री पे पकड़ा था। यही है कि जो टीम वेल एफर्ट करेगी, ज़्यादा एफर्ट करेगी, अपनी फील्डिंग में एफर्ट देगी, वो मैच जीत जाएगी, क्योंकि अगर वो छक्का लगता तो शायद मैच का रिजल्ट दूसरा होता। भाई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो फील्डिंग की गई, मैच खेला गया, एंड बहुत ही थ्रिल मैच था। इवन हम जो है वो पाकिस्तान अलग हमारा दूर दूर तक नहीं था, उसको तो पहले ही जो है वो बाहर निकल गया था, वो तो पहले ही उसमें, लेकिन हमने फिर भी फाइनल इन्जॉय किया था, फाइनल इन्जॉय किया था। मैंने स्ट्रीक भी बनाई थी स्नैप पर, मैंने बोलता, मैंने कहा हम वो बगैरत कौम है जिसमें हमारी टीम दूर दूर तक नहीं है, हम फिर भी बैठ के फाइनल देख रहे हैं, मतलब कि हद है यार। अच्छा भाई इन्जॉय करना, मैंने एम ही जो है वो चावल में बगैरत कौम बोला, इसका मतलब ये नहीं हम बाकी बगैरत कौम है, ठीक है, खबरदार जो किसी ने कहा तो।
तो भाई मजे से एंजॉय एंजॉय करो। देखो भाई, अगर आप कुछ ऐसे वर्ड यूज भी करते हो तो आई थिंक सो आगे आपको उस चीज को जो है एक्सप्लेन कर देना चाहिए। उसके बाद अगर कोई आपके मतलब को वर्ड्स को गलत मीनिंग देता है तो वो उनका अपना सोच बनता है। मतलब हमने तो बता दिया भाई, हम तो एज ए एंजॉय में बोल रहे हैं कि भाई ठीक है बड़ा यार, लेकिन बड़ा जबरदस्त मैच था। आखिरी का ओवर जो है वो बहुत जबरदस्त था, बहुत ज्यादा जबरदस्त था, मैनू तो बहुत पसंद था। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।